बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुशहाल खुशबाश और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया और इसका बड़ा अच्छा 100% रिजल्ट आया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिन बच्चों की नज़र भी खै जाने लगी हुई है, अगर वो इसको मसलसल इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ऐनक उतर जाएगी और नज़र भी वहीं पे खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी ये बादाम ली है और हाफ कटोरी जो है वो मैंने सौंफ ली है। तकरीबन पौनी कटोरी मैंने इसमें गुलामिशी की ली है, इसको आप सौंफ के बराबर क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। और एक चम्मच मैंने इसमें चारों मक्स दिए है। तो आए अब हम इन सबको आधा आधा से पीस लेते हैं। तो देखिए नाज़रीन, मैंने तमाम चीज़ें पीस दी है, अब हम सबको मिक्स करेंगे। ये सबसे पहले मैंने बादाम लिए और ये मैंने सौंफ ली है, इसके बाद ये मिश्री और इसी के अंदर मैंने चारों मक्स डाल लिए थे। ये हम हाफ लेंगे, फिर मिक्स करके इसको देख लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए इसको बना रहे हैं तो बच्चों के लिए आप मिश्री इसमें ज़्यादा डालें, क्योंकि बच्चों को सौंफ का फ्लेवर इतना पसंद नहीं होता। और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो फिर मिश्री की इसमें थोड़ा सा कम डालें, ठीक है। ये देखिए हमारा ये बन चुका है। आप एक चम्मच इसका, यही एक चम्मच भर के लेवल में दूध के साथ बच्चों को रात को दें, तो इससे बच्चों का हाफसा भी तेज़ होगा और नज़र भी इससे ठीक हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे और आपके रिज़्क़ को बहुत ज़्यादा वसी करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।